तो आज मैं हूँ मेट्रो वॉक, तो आज मैं हूँ एडवेंचर स्लैंड के एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। तू मत देख। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। तो आज हम आए थे एडवेंचर इसलैंड रोहिणी में, बट बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब हम ढूंढ रहे हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट। एरोप्लेन रेस्टोरेंट तो आगे बता रहे हैं। मैं मेरा फोन आप देख सकते हो बारिश में, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। अदर्श भाई ने तो अपना फोन रख दिया है डर के मारे। भाई ये रहा मेरा फोन। दो टिकट मेट्रो वॉक के एरोप्लेन के। जीशान 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 दे दो। एक ये दो जनों के टिकट है। हाँ जी। कितना टाइम है? कोई टाइम टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट नहीं है। तो ये रहे हमारे, इसकी कॉस्ट है 400-200 पर पर्सन है। हम दो यार, म्यूजिक बज रहे यार। तो आज हम कैसे हैं और क्यों आए हैं वो सब मैं अंदर बैठ के बताऊंगा, क्योंकि पूल में काफी ज्यादा वाटर आ गया। तो अभी आराम से बात करते हैं। तो चलो एडवेंचर इसलैंड के अंदर है। तो मैंने काफी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर व्लॉग बनाता हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सी चीजें एडवेंचर इसलैंड के अंदर। भाई बार बार परेशानी कर रहा है रोहन भाई, दिक्कत है तो क्यों हंस रहा है? एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, बिल्कुल एरोप्लेन फ्लाइट की तरह है। मतलब आपको लगा नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, सच बता रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा यहाँ पर मन था आने का, लेकिन रोहन भाई थोड़े बिजी थे तो उसकी वजह से थोड़ा मैंने डिले कर दिया था। तो ये है रनवे का मेन्यू, 220 और 240 किट का शेक और इटालियन गार्लिक रनवे सिग्नेचर डिशेज। तो ये है पिज़्ज़ा। और भाई क्या लिया रोहन भाई? पिज़्ज़ा यहाँ का फेमस है भैया, एक पिज़्ज़ा कर दो। तो हमने ऑर्डर किया है एक पिज़्ज़ा, दोनों भाई एडजस्ट कर लेंगे उसमें से, हाफ हाफ कर लेंगे। और दो सॉफ्ट ड्रिंक है, मैंने पेप्सी लिए और अनंत भाई ने डियो लिया है। तो भैया बोल रहे 20 से 25 मिनट लगेगी, अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर है तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इतने यहाँ पे हम कुछ इसके ब्यूटीफुल शॉट्स ले रहे थे। तो ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, तो काफ़ी बिग साइज है इसका, तो हम दोनों आराम से एडजस्ट कर लेंगे इसमें। क्यों अनस भाई? हाँ भाई। ये आ गया हमारी शॉप का, थैंक यू भाई। तो देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, चालू करते हैं। दीजिए भाई पानी निकला।
तो ये है यहाँ के सेल्फी, यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हो। इसके 200 चार्ज और चार्जेस हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है तो नहीं करेंगे यहाँ पर। हम एरोप्लेन रेस्टोरेंट से आ गए हैं और बहुत मज़ा आया। सच बताऊँ तो खाने की बात बताऊँ तो खाना मुझे 10 out of 9 लगा है। सच में बहुत अच्छा है और सॉफ्ट ड्रिंक भी काफ़ी अच्छी थी। सच में रियली मैंने डोमिनोज का भी पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा हट का भी पिज्ज़ा खाया, लेकिन उसका पैसे वसूल लगा। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर आ सकते हो। अभी रात हो चुकी है, अब फिलहाल एडवेंचर इसलैंड पर सब खुल चुका है, लेकिन अब हमें जाना है। ये था मेरा रिव्यू और अब रोहन भाई से पूछते हैं। तो भाई आपको कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया जगह थी और भाई पूरे पैसे वसूल हुए हैं और हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। पिज्जा को 10 out of 10 10 out of 10 भाई पूरी रेटिंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया पिज्जा लगा था। कम से कम डोमिनोज के भी खाए हैं और भी बहुत सारे पिज्जा खाए हैं, लेकिन उनसे बहुत बढ़िया लगा है। ये मतलब पैसे पूरे ही वसूल कराए हैं इस पिज्जे ने। तो आप आ सकते हो आराम से, लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप इजीली आ सकते हो, और अगर आप गाजियाबाद में रहते हो तो आपको जस्ट शहीद स्थल के मेट्रो स्टेशन पर जाना है और रिठाला के लास्ट स्टेशन पर उतर जाना है। उसके बाद आपको 500 मीटर कुछ दूर जाना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये एडवेंचर इसलैंड।